तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, तो ये सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो एसएससी, सीजीएल्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो बीए, बीएससी के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, इसमें कई क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से रिलेटेड है। तो मैंने इससे पहले भी कई क्वेश्चंस हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ से रिलेटेड बना दिए हैं एनडीए सॉल्यूशंस, तो आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेंसिलिन का आविष्कार किया था वो थे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जो पेंसिलिन के आविष्कारक थे वो कौन थे? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये टाइफाइड जो होता है वो फेफड़ा से, टाइफाइड जो फेफड़ा में नहीं होता है, बल्कि ये देखिए डिफ्थीरिया जो होता है वो गले में होता है, इंसेफ्लाइटिस जो होता है मस्तिष्क में होता है, अस्थमा जो होता है वो श्वास नली में होता है, सभी होते हैं, लेकिन जो टाइफाइड होता है वो फेफड़ा से रिलेटेड नहीं होता है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? तो देखिए टीटनेस, न्यूमोनिया और डिफ्थीरिया जो है वो तीनों जो है बैक्टीरिया के कारण होते हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंजा होता है वो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है रोग। निम्नांकित में से कौन से विटामिन सी का सबसे अच्छा, सभी जानते हैं, सभी कुछ मालूम है लगभग कि इसमें देखिए ये तो नींबू होगा या फिर आंवला होता है, तो आंवला इसमें है नहीं तो अच्छी बात है, तो इसमें नींबू जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार बीट करता है? सभी जानते हैं सामान्य मनुष्य का हृदय जो होता है वो 72 बार एक मिनट में बीटिंग करता है, हार्ट बीटिंग होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए किस चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? डायलिसिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गुर्दा जो होता है वो ब्लड जिनका ख़राब हो जाता है, तो डायलिसिस जो ऐसी प्रक्रिया होती है कि उनको स्वच्छ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए किया जाता है डायलिसिस का उपयोग। निम्नलिखित में से तो ऑप्शन इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित का नहीं है? तो वो जो देखिए कौन सा सुमेलित है, कुष्ठ जीवाणु ये सुमेलित है, जो कुष्ठ रोग होता है वह जीवाणु से होता है, मलेरिया परजीवी से होता है, खसरा जीवाणु से नहीं होता है, एड्स विषाणु सही है, तो ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि खसरा जो होता है वह बीमारी वो जीवाणु के कारण नहीं होती है, बाकी सब होते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? तो जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है टाइफाइड जो होता है वो जल प्रदूषण के कारण होता है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सुमेलित कीजिए, तो इसमें सुमेलित क्या करना है तो देख लीजिए, तो इसमें ए का जो है विटामिन सी जो है वो किसके कमी के कारण होता है? तो रक्त स्कंदन विटामिन सी की अगर कमी है तो रक्त स्कंदन होने लगा, अगर नहीं रक्त रिसाव, और विटामिन डी जो है वो बांझपन, जिसको लड़के नहीं पैदा होते, बच्चे नहीं पैदा होते, वो बांझपन विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और विटामिन ई जो है वो अस्कर्वी रोग के कारण होता है, अस्कर्वी विटामिन अगर ई की कमी है तो हमें अस्कर्वी रोग हो जाएगा, विटामिन के जो है वो अगर कमी है तो विटामिन डी चौथा हो जाएगा रिकेट्स, तो ऑप्शन बचा था, तो इसमें देखिए कौन मैच कर रहा है, ए का रक्त स्कंदन तीसरा, तो ये देखिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी सब में वही है। तो देखिए आदित क्वेश्चन सभी को है, लेकिन गलती कर बैठते हैं कि जल्दी हमें क्वेश्चन करने में जो समय दिया गया है उसके अंतर्गत हमें करने की आदत डालनी पड़ेगी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो होता है रक्ताल्पता हो जाता है इंसुलिन की कमी से, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आँख के किस भाग पर एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर, आँख के भाग पर हमारा चित्र बनता है। डायबिटीज़ के रोगी को क्या नहीं खाना चाहिए? तो देखिए डायबिटीज़ जो होती है वो मीठे के कारण होती है, तो विटामिन हमें लेने चाहिए, वसा प्रोटीन से सब कोई रिलेटेड नहीं है, तो चीनी जो है वो डायबिटीज़ के रोग में वो नहीं खानी चाहिए, सभी को मालूम होगा लगभग कि चीनी जो होती है वो डायबिटीज़ के रोगियों को नहीं देनी चाहिए। तो पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन कैसे तैयार करते हैं? तो वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत आता है। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन अगर यहीं पे दिन की जगह अगर यहीं पे
रात हो जाता तो वहाँ पे कौन सा क्या हो जाता, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द करेक्ट आंसर हो जाता तब वहाँ पे, अगर दिन की जगह रात होता, अगर दिन की जगह रात होता तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता, लेकिन यहाँ पे दिन में पूछा तो ऑक्सीजन छोड़ के। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है, तो वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग हरा होता है। जब गोली दागी जाती है यानी बंदूक से गोली निकाली जाती है तो बंदूक को तेज़ी से पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है, प्रत्येक कार्य का एक समान प्रतिक्रिया होती है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी था, ये जो है ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी था कि एक्शन एंड रिएक्शंस जो था, एक्शन एंड रिएक्शन जो था ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी था कि जितने क्रिया हम जिस दूसरी क्रिया पर लगाते हैं वो उतनी ही बल हमारे पर आरोपित होता है। तो न्यूटन के तीन प्रसिद्ध नियम किससे संबंधित है, जो न्यूटन के तीन नियम थे वो किससे संबंधित थे, वो तो गद्य से संबंधित। पहला नियम क्या था, जिसे हम देखिए कहते हैं कि अगर वस्तु विरामावस्था विरामावस्था में रहना चाहिए, यदि ये जा रही है तो जाना ही चाहिए जब तक उस पर कोई बाय फोर आरोपित नहीं किया जाता है, तो बराबर तो यहाँ पे था। या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम उसे भी कहते थे। तो पहला था, दूसरा क्या था, एफ इक्वल टू एम ए यानी जो फोर्स लगता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। थर्ड ला था क्या था, जो एक्शन एंड रिएक्शंस होता है वही तीसरा नियम था। तो ये तीनों रिलेटेड मैंने बता दिए हैं। दूध की शुद्धता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, दूध की शुद्धता किस उपकरण से नापते हैं, तो लैक्टोमीटर सभी जानते हैं। तहत की दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसे हम देखिए जब हम कहते हैं कि इंद्रधनुष निकला तो वहाँ पे 7 रंग रिप्रेजेंटेशन होता है हमका, तो हम क्या कहते हैं सूर्य के रंग में कितने प्रकाश होते हैं, तो 7 रंग। यहाँ पे देखिए केवल सफ़ेद अगर लगा देंगे तो आप गलत कर देंगे, मिश्रित रंग भी गलत होता है, 7 रंग होते हैं। बिजली के लैंप का तंतु किस धातु का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजली का जो लैंप होता है वो किस तंतु धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना जाता है। बिजली के लैंप का तंतु जो उसमें तंतु होता है जो चलता रहता है उसको किसका बना रहता है, वो टंगस्टन का बना रहता है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है, जो थर्मामीटर होता है उसमें पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यह थर्मामीटर की दीवारों से चिपकता नहीं, थर्मामीटर की दीवारों से चिपकता नहीं और जो पदार्थ होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो थर्मामीटर जो हम हीटिंग नापते हैं, जैसे बुखार हो गया तो हम नापते हैं, तो उसमें बताता है कि इतने डिग्री है, 92, 93, 94 तो समथिंग तो होते हैं, वो उसमें चिपकता नहीं, डायरेक्टली बता देता है और जो तत्व होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सस्ता होता है, ये कोई नहीं, ये ताप कारण अधिक फैलता है, ये भी नहीं है थर्मामीटर की नली आसानी से चला जाता है, नहीं है थर्मामीटर का, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, चिपकता नहीं। राडार का क्या उपयोग है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राडार का क्या उपयोग होता है, तो जो राडार होता है वो वायुयानों की गतिविधियों का पता लगाने के कारण उपयोग होता है। जो राडार होता है वो वायुयान यानी जो हवाई जहाज़ है वो गतिविधि उनकी क्या है, इस समय किस पोजीशंस पे हैं, कहाँ पे हैं, तो वो राडार का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। वायुदाब नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, वायुदाब जो नापते हैं जिससे हम, तो उसको कौन सा उपयोग लिया जाता है, तो बैरोमीटर जो होता है वो उपयोग में लाया जाता है। वायुदाब नापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है, तो बैरोमीटर उपयोग में लाया जाता है। रेल की पटरियों के मध्य खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेल की पटरियों के मध्य खाली स्थान इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी का जो सीज़न होता है वो गर्मी में फैलती हैं, तो गर्मी में फैलती हैं पटरियाँ, तो जब रेल की पटरियाँ फैलेंगी तो वहाँ पे जो होता है वो टूटने की संभावना होती है, इससे दुर्घटना होने की चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए जो है वहाँ पे खाली स्पेस छोड़ा जाता है, तो वहाँ ताप के बढ़ने के कारण पटरियों की लंबाई बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार कौन था, आविष्कारक कौन थे, जो भाप से चलने वाले इंजन थे उसके आविष्कारक जो थे वो जेम्स वाट थे, हम सभी जानते हैं जेम्स वाट ने जो था वो भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया। एडवर्ड जेनर की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने क्या खोज किया था, तो चेचक का टीका जो है उन्होंने खोज किया था। टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है, तो टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है, वो जे एल बेयर्ड थे, सभी जानते हैं कि बेयर्ड इसको याद करते हैं, तो बेयर्ड ने
टीवी का आविष्कार किया था। तो ये थे क्वेश्चन जो थे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड थे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, हमें हमेशा इंतजार रहता है क्योंकि हम देखते रहते हैं, इतने मेहनत करते हैं। प्लीज़ सर लाइक सब्सक्राइब, अगर ज़्यादा नहीं तो लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच। और पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिएगा, इसमें कोई वो नहीं है कि आप लाइक ही कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए इसको, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बस इतना ही करेंगे, थैंक यू सो मच।